कमाल दिखा रहा हूँ। Yeah.
ये काउंटर क्यों बंद है? और दो आदमी आपने दिखा रखे हैं, एक आदमी बच्चा बना रहा है, एक पैसा ले रहा है, ये क्या तरीका है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इतनी बड़ी दायित्व है कि एक आदमी बच्चा बना रहा है, एक पैसा ले रहा है, एक ही तो बच्चा बना रहा है, ये आदमी 500 क्यों खड़े? ये तीसरा काउंटर क्यों बनवाया है? एक आदमी बच्चा बना रहा है, 500 आदमी लाइन में लगे हैं, ये जनता किस लिए खड़ी है? ये पीड़ा किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है जो सामूहिक रूप से, और डॉक्टर साहब मुझे बहुत शर्मिंदा होकर कहना पड़ रहा है, ये जो गरीब आदमी खड़े हैं किसके आदमी है? ये हमारे आदमी है, आपके आदमी है, और ये एक आदमी बच्चा बनाए तो 500 लोगों का एक बना रहा है, बाकी लोग कहा है रजिस्टर निकालो, बाकी लोग कहा है? एक आदमी बच्चा बना रहा है, एक रजिस्टर भी लिख रहा है, और 500 लोगों की लाइन लगी हुई है। डॉक्टर साहब बहुत दुखी होकर के मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं गुलाम ने रजिस्टर लाओ, ये हमें कह दीजिए कि काउंटर क्यों बंद है? डॉक्टर ये वृद्ध लिखा हुआ है, वृद्ध कहाँ लिखा है? ये लिखा वृद्ध विद्यार्थी का काउंटर क्यों बंद है बताइए? आप लोग आउटसोर्सिंग नहीं लाए? आउटसोर्सिंग है आप लोग? बिल्कुल लाइन नहीं लगना चाहिए था सर, 3-3 घंटे से लाइन लगे हुए, आप उसमें बताएंगे अच्छी शिक्षक लगाएंगे कहाँ? ये क्यों नहीं तो? और यहाँ भी जिससे जितनी देर लगी है ना, अपने चिकित्सक लगाए जहाँ चिकित्सा है थोड़ा सारे सारे यहाँ चिकित्सक थे जी सर। कितने लोग हैं? सब सारे लोग आए हैं? ये कितने हैं? लीवर टॉप छोटी पे है जी सर। बाकी सभी लोग आए हैं जी सर? 26 लोग ड्यूटी पर हैं जी सर। हैं तो ये भी अंडर सिंह होते हैं, तीन है इतना तो तीन है तो कहाँ जाते हैं जी सर? वहाँ से बड़ा गाँव का बड़ा गाँव ही है जी सर। बात कर रहा हूँ नहीं अभी कहाँ से बात कर रहा हूँ, ये है कहाँ कितने एक डॉक्टर क्या आपके यहाँ अटैच है? यहाँ का हॉस्पिटल का वो कहाँ है? तो अभी अभी वो कहाँ है? वो है फतेहपुर में नहीं है? जरा कुछ ही बताइए तत्काल। या सुनिए पता करो ना नंबर पे बता कुछ ना नहीं
भैया बाहर है जो लखनऊ में आते हैं सर से बात नहीं लखनऊ से बाहर में देख के बताओ कहाँ भाई 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 ये कौन काम हम करेंगे नहीं की कौन करेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमने जो कंप्लेंट कहा था कि हॉस्पिटल परिसर में गंदगी नहीं मिली धूल नहीं मिला थी नाला नहीं मिले और उसका कोई मतलब नहीं मिला उसको तत्काल पाएंगे हम एक हफ्ते बाद सुना आएंगे कहीं जाला धूल नहीं मिलने गमले से पेंट करो इसे धूल देखो करते हैं धूल देखिए हजार रुपये रुपये थी 3 महीने तक हम कहा नहीं 3 महीने तक हम घंटे रुपये रुपये 3 महीने ये दर्शन सुधार कर लिखिए पूरी हम लोग डालेंगे यहाँ लिख दीजिए जो भी 5% रखाएगा जुर्माना लगेगा और शुक्रिया किसने डाला आपने रोका उसको गार्ड कहाँ है आपने ये प्रापर जो खड़ा हुआ है प्रापर दिखाएंगे भाई जान आगे मत चलो सरकार का किया और उनको ऊपर नोटिस जारी किया आज परिसर में एक बूंद की धूल लगी है ये तो जिम्मेदारी हो ये बात ठीक नहीं है ये देखिए इसके परिसर का पूरा काम पूरा पड़ा हुआ है कितने कमरा बन लगे क्या होता है क्या होता है शीशा बना ये देखिए शीशा छोटा ये फ्रेंड आपका है ये आपने रूम बना रखा है कमाल का खाना पीने से संसार करेंगे अगर वो गला बताइए ये जितना गिट्टी उट्टी है ये सब एकदम राइट टाइम करा दीजिए जैसे लगे घर अपना ठीक है ना तो ये लोग क्यों बैठे हैं भाई कौन जिम्मेदार आदमी यहाँ पूरा ऑफिस को बिल्कुल डॉक्टर जितनी जल्दी हो सकता करो
डॉक्टर वाटर फिल्टर लगा बहुत लगा बोलो बोलो इसकी जिम्मेदारी किसकी है गंदगी क्यों है ये देखिए बोतल पूरा हुआ डॉक्टर साहब गंदगी नहीं मिला ये बंद पड़ा हुआ है ये पूरा साफ करके है ना पूरा एक एक बिंदु साफ कराइए और ये वाटर प्लांट ही गंदा डॉक्टर देखिए डॉक्टर भी देखिए ये लगता मुझे साल भर से खुला नहीं है डॉक्टर मेरी दुखी होके मैं कह रहा हूँ ये पहली बार और आखिर बार कह रहा हूँ अगली बार आऊंगा तो कार्रवाई होगी इसमें गंदगी वाटर कूलर अंदर बंद पड़ा है प्रचंड गर्मी शुरू हो गई 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इसको लगवाइए बाहर और शुरू कराइए उस गंदगी साफ कराइए पूरा वाटर प्लांट आपका बंद चल ही नहीं रहा है देखिए कहाँ चल रहा देखिए वाटर देखिए डॉक्टर साहब देखिए वाटर फिल्टर प्लांट है ये नहीं चल रहा देखिए आप वो देखिए सुई इसके नीचे की तरफ और आवाज़ भी नहीं आ रही है ये तो आवाज़ आती अगर चल रहा होता ये पानी सीधे लोगों के पेट में जाए बीमारी पनप सकती है डॉक्टर साहब आप समझिए कि हम लोग डॉक्टर मरीज को भगवान मानकर सेवा करना है अस्पताल परिसर में जो है उसकी ऐसी सेवा करना है वो मान के चले कि मैं उसके घर में उसका इलाज हो रहा है अब ये देखिए डॉक्टर साहब क्या हालत है देखिए प्लांट बंद पड़ा हुआ है देखिए पूरा प्लांट डॉक्टर पूरा वाटर कूलर आपका इधर पड़ा हुआ है और ये भी प्लांट आपका बंद पड़ा हुआ है देखिए आवाज़ नहीं आ रही उसमें चलने की खुला होता तो आप देख पाते लेकिन आवाज़ आती थोड़ी बहुत आवाज़ आना चाहिए चलने की एकदम नहीं आ रही निकलो डॉक्टर साहब ये बहुत गलत आती पूरा क्लीन कर इलाज ठीक चल रहा है ये चल रहा है संतोष आपकी नहीं इलाज है डॉक्टर साहब आप इसको देखिए क्या मामला है कितनी देर से आप यहाँ अब तब से कोई इलाज नहीं हुआ और आपको क्या फ्रैक्चर है यहाँ पर तो आप सिटी स्कैन की जाए आप सिटी स्कैन करा लो हो गया है तो आप कहाँ वार्ड में जाते हो आप इनको वार्ड में ले जाओ उनको व्यक्तिगत क्या दिक्कत है भैया हाँ चल रहा है इलाज ठीक चल रहा है कोई कोई आपका महसूस है कोई दिक्कत तो नहीं हमारा ठीक है आपकी तुझे भैया साथ आए हो कोई दिक्कत तो नहीं है दवा मिली आपको ले गए कोई दिक्कत तो नहीं है डॉक्टर साहब ठीक चल रहा है यहाँ किस प्रकार के मरीज आते हैं कितने मरीज आ जाते हैं डॉक्टर भैया पता करो क्या किसी डॉक्टर साहब की एविडेंस लगी थी आज जी भैया अच्छा अच्छा होना नहीं क्या हड़ताल है अच्छा भाई का अच्छा ठीक है हेलो अच्छा जी भैया अभी 12 बजे आ रहा है तक हॉस्पिटल में नहीं है और उनके बजे हो ही नहीं था कल से पता था मुझे कितने आ जाते हैं नहीं भैया है नहीं अभी लखनऊ कैसे देखो आप यहाँ ऐसा नहीं है जाला नहीं किया आप पेमेंट करते हो सफाई कर्मचारियों को ये जाला देखे रखा होता है कितने दिन से सफाई नहीं हो रही जी हाँ भैया रवि कल आ जाओ 9:30 बजे भैया अच्छा अच्छा तो ये खोला क्यों खुला जी डॉक्टर सर ये ऐसा करो भैया आज तो बाहर है कल आ जाओ 9:30 बजे सर अभी हाँ कितने दिन पहले आई है डॉक्टर कोई मशीन जब हम खरीदते हैं अपने घर में या अस्पताल में सरकार की यूज के लिए उसको खोल के चला के देखते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं फिर मरीजों को लगाए करते हैं तो आपने खोले नहीं पैकिंग सरकार ने क्यों खरीदा ड्रामा सेंटर के बाहर रखने के लिए खरीदा है डॉक्टर मैं बहुत दुखी हूँ मरीज को भगवान मानिए मैं बहुत दुखी हूँ नहीं तो मैं स्वयं यहाँ के बैठूंगा मैं जो कर सकता हूँ मदद करूंगा आप लोग हमारी मदद करिए अब ये मशीनें नहीं खोला आपने इलाज आप क्या ये दवाइयाँ यहाँ क्यों पड़ी हैं किसकी जिम्मेदारी है
नर्सेस की है। डॉक्टर साहब यहाँ रखने की जगह सर कुछ, अगर स्टोर में हम चेक करेंगे ये दवाई कम मिलेगी तो कार्रवाई होगी। ये दवाई यहाँ होना चाहिए, यहाँ इसमें क्या रखा हुआ है सर? देखिए हॉस्पिटल परिसर है, अगर आपका सामान निष्प्रयोग है तो इसको स्टोर में भेजिए, अगर प्रयोग में है तो उसको मेज पर रखिए। ये क्या तरीका है? स्टैंड में भी पानी पोछा कभी लग जाएगा सर, ये मरीजों के लिए है। ये क्या देखिए सीरेन है डॉक्टर, देखिए ये सीरेन डॉक्टर बाजार से आती है, कितने पैसे की आती है ये बताइए। ऐसा करना चाहिए, ये डॉक्टर साहब आपकी भी बताइए, आप उसका भ्रमण करें और भविष्य में इस प्रकार की गलतियाँ नहीं होना चाहिए। ये जनता के लिए है, मरीज के लिए, और यहाँ पर ही है, इसको कौन यूज करेगा? हेलो, ये देखिए डॉक्टर साहब, ये भैया हाँ जो 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 सफाई के जिम्मेदार है वो बारह में और इसमें इस तरीके की कोई बात की तो ठीक बात है। ये सीमेंट जब से आए तब से बहुत अरे सर ये एच आई वी और टेस्टिंग का है, काउंसलर है, हेलो भैया बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, वो तो अभी तो उस पर भी है, लाइव है, नहीं और जब मरीज इनके आ जाए तो वो देखे, कोई आदमी खाली बैठा है किसी पर अतिरिक्त लोड है ना, और काउंटर पर्चे के एक नहीं रहेगा, चार काउंटर की जगह आपके पास है, कम से कम पांच काउंटर चलाइए आप, अपराध विकलांग वाला काउंटर जरूर चलिए। हाँ
ज्यादा लोग नहीं बात आपको मिल जाए चले 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 भैया आप वही चिंता मत करो डॉक्टर तत्काल करेंगे अभी देख ठीक हो जाओ क्या हुआ तुमको ठीक हो जाओ बोले स्कूल खुल गया घबराना नहीं ठीक हो जाओगे डॉक्टर तत्काल चिंता करो मैं देखूंगा फालतू लोग अंदर सब है स्पेशल कौन बताइए यार लोग को मत भेजिए अम्मा चिंता मत करो अम्मा चिंता मत करो ये डॉक्टर खुद देखेंगे हमें इसका रिपोर्ट करना ठीक है
हाँ भैया जी भैया सीधा अम्मा का नंबर लिखो, अम्मा का नंबर लिखो, बात करेंगे अम्मा, हम आपसे अभी बात करेंगे। नाम पूछ रहा हूँ अगर।